सनावत नगर के रेलवे स्टेशन मोटक का चौराहे एवं सोलंकी कॉलोनी में एक पागल कुत्ते के काटने से 5 लोग घायल हो गए। इन सभी घायलों का सिविल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। नगर पालिका इस पागल कुत्ते की तलाश में अमले को भेजकर कार्रवाई करवा रही है। शुक्रवार सुबह 8 बजे नगर के सिविल अस्पताल में अलग अलग 6 लोग कुत्ते काटने के बाद उपचार के लिए आए। इसके बाद पता चला कि इन सभी लोगों को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। घायल जगदीश कुमावत ने बताया कि बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, तभी एक पागल कुत्ता आकर अचानक काट लिया, जिससे हाथ लहूलुहान हो गया। इस तरह तुकाराम मंसारे, जीतू कौशल, कृष्णा मोहाले, देवी सिंह गोलकर एवं जीतू राजपूत भी कुत्ते के काटने से घायल हो गया। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र गुप्ता ने बताया कि कुत्ते की तलाश में नगर पालिका अमला भेज दिया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रास्ते में एकदम से आया, मेरा हाथ जकड़ लिया। कौन सी जगह पे? ये सोलंकी कॉलोनी में, आंगनबाड़ी के सामने। शांति बनाए रखो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।